أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم بارا 15 ربع آخر دهراي بسلسلة ترجمة قرآن كلاس محترمة سوريا منصور صاحبة

ज़ालिमों के लिए नारा ना घेरे हुए है घेरा हुआ है बिहिम उनको सरा देखु उसकी कनातों ने हा जमीर उसकी के लिए और सरा देकु उसकी मतलब के कनातों ने लपेटो ने व इन और अगर लिप्टोन है व इन और अगर यस सगीस वो सब पर याद करेंगे युगास वो सब पर याद रसी किए जाएंगे बीमाइन पानी के साथ कल पिघले हुए तांबे की तरह या मोहली के लिए एक वर्ड आता है कि तेल की तलछट की तरह यश भी वो भून डालेगा वजूह चेहरों को बेस शराब वो कितना बुरा है पीना या बुरा है वो पीना शराब मशरूब से शरबत से वसाअत और बुरी है मुर्तफा आराम का अब यहाँ पर है कि तुम्हारे रब की तरफ से हक आ गया है। अब जो भी चाहे ना सब लोगों के इख्तियार में कि वो ईमान लाएं या कुफर करें और जो कोई कुफर करेगा फिर उनका अंजाम क्या है कि उनके लिए आग है जो घेरेगी आग की जो कनाते हैं वो उन लोगों को घेर लेंगी और वो सब वहां पे जब पानी मांगेंगे तो उनको पानी दिया जाएगा जो पिघले हुए तांबे की तरह का होगा और वो पानी ऐसा होगा कि वो उनके चेहरों को भून देगा और बहुत कितना बुरा है वो पानी जो वो पिएंगे वहां पर और कितनी बुरी आरामगाह है जहन्नुम अब इसके आगे इसी के ऑपोजिट पे जन्नत की बात हो रही है जो बेहतरीन आरामगाह उस पे कहा गया है उसको लजीना बेशक वो लोग जो आमनो ईमान लाए व आविलु सलिहाती और उन्होंने नेक अमल किए इना बेशक हम ला नुज़ियू नहीं हम जाया करते नु हम ज़ियू के रूट से अजर अजर मन जिसने अच्छा किया आसना अच्छा अहसन मोहसिन वो सारे इसी रूट से अमलन अमल उलाई का यही लोग लहुम उनके लिए जन्नात अदन हमेशगी के बागात हैं तजरी बहती हैं मिन तहती हिमुलन हारू उनके नीचे से नहरें तहत नीचे से युहा लवना वो सब जेवर पहनाए जाएंगे फीहा उसमें अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड्स क्या हैं सोरा उसकी कनातों ने यस वो सब फरियाद करेंगे कल मुखली पिघले हुए तांबे की तरह लवना पहनाए जाएंगे अब यहाँ से रिपीट करते हैं ईमान लाए उन्होंने अमल किए नेक बेशक हम नहीं जाया करते अजर जिसने अच्छा किया हो अमल यही लोग हैं उनके लिए हमेशी के बागतें बहती हैं उनकी नीचे से नहरें और वो जेवर पहनाए जाएंगे उसमें यानी उस जन्नत में मिन असाविर कंगनों में से मिन जहा बिन सोने के वयल बसूना और वो सब पहनेंगे सयाबन कपड़े खुजरन सब्ज खुजरन जैसे सब्ज गुंबद भी होते गुम्बद खजरा वो सब, खुजरन सब्ज कपड़े जो किस चीज के बने हुए होंगे मिन सुंद से इस्तबरकिन बारीक रेशम से और मोटे रेशम से मुतकीना वो सब लोग तकिया लगाए हुए होंगे फीहा उनमें अलल आरा इक तख्तों खूब बदला है वह और अच्छी है आराम का, का वो लोग जो अब जन्नत में जाएंगे उन्होंने नेक कमल किए होंगे और उनके ऐसे लोगों के अजर अल्लाह ताला जया नहीं करते उनको क्या बदला मिलेगा कि उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और उसमें वो जेवर पहनाए जाएंगे जो कि सोने के कंगनों पर मुस्टमल होंगे और उनके कपड़े सब बारीक और मोटे रेशम के होंगे ग्रीन कलर के और वहां पर वो तख्तों पर तकिया लगाकर बैठे हुए होंगे कितना अच्छा बदला है वातूर और बयान कीजिए लहम उनके लिए मासलर रजलैन एक में सवाल दो आदमियों के जालना हमने बनाया लिया दीमा उन दोनों में से एक के लिए दो बाग, ना ना भी से ना हुमा, और हमने बाढ़ लगा दी उन दोनों को, उन दोनों बागों को मतलब वजह अलना और हमने की बही ना हुआ उन दोनों के जरान कुछ खेती बाढ़ लगा दी मीनस के उनकी बाउंड्री बना दी या उनको मतलब के उनकी सराउंडिंग में खजूरों के दरख्त ठीक है उनकी बाउंड्रीज पे अब अब जो जो ये आयत नंबर में काफिरों के उन सरदारों का जिक्र था कि जिन्होंने तकबर किया था और वो गरीब मुसलमानों को भी पास बिठाना पसंद नहीं करते थे अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक ऐसा ताक बयान फरमा रहे हैं कि जिससे ये वाजह हो जाता है कि माल और दौलत की ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर कोई इंसान अतर अगर अल्लाह ताला के साथ रिश्ता मजबूत ना हो तो बड़े मारे, बड़े बड़े मालदार लोग जो हैं, वो उनका भी कार्य होता है कि उनके हाथ कुछ नहीं आता और अल्लाह ताला के साथ मामला सही हो तो गरीब लोग उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं जिन दो आदमियों का यहाँ जिक्र फरमाया गया है उनकी कोई तफसील किसी तफसू रिवायत में मौजूद नहीं है बाद, मुफ, बाद ने कुछ रिवायतों की बुनियाद पर ये कहा है कि ये बनी इसराइल में से थे और इन्हें अपने बाप से वरासत में बड़ी दौलत हासिल आई थी अब उनमें से एक ने काफी रोकर अपनी दौलत से दिल लगा लिया था और दूसरे ने अपनी दौलत को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया और उसकी वजह से उसकी दौलत पहले शख्स के मुकाबले में गिनती में कम रह गई लेकिन आखिरकार काफी शख्स की दौलत पर आफत आ गई और उसे हसरत के सिवा कुछ हासिल ना अब यहाँ पर उन दोनों का जिक्र है कि बयान कीजिए लोगों के लिए दो आदमियों की वो दो आदमी जो एक एक काफिर है और एक नेक है जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते है ठीक है हमने बनाए उन दोनों में से एक के लिए दो बाग अंगूरों के और हमने उनकी बाढ़ लगा दी खजूर के दरख्तों के साथ और हमने उन दोनों के दरमियान कुछ खेती की जरा जरा के रूट से जरी जमीन

वलम तस्लिम और ना जुल्म किया गया या ना कमी हुई मिन हु उसमें से शयन कुछ भी वफजर ना और हमने जारी कर दी खिला हुमा उन दोनों के दरमियान हुमा वही जमीर दोनों के लिए और खिला खलल वाले से दरमियान नहरन एक नहर वकाना और था लहू उसके लिए समारुन उन फल फकौला तो उसने कहा इस भी ही अपने साथी से अब यहाँ पर उसने कौन है जो काफिर है उसने कहा किससे कहा जो नेक आदमी है उसका दोस्त उससे कहा इस हाल में क्या हुआ वो हु, वो बात कर रहा था उससे निकलो नेक, नेक इंसान से हु, हु, उसका जमीर हो गया उसके लिए यूहा वीर मुहावरे के रूप से कि वो बात कर रहा था तो उसने कहा अपने साथी से इस हाल में कि वो बात कर रहा था उससे अना मैं अक्सर हूँ मैं ज्यादा हूं मिनका तुझसे माल एंड मार मैं वहाजू और मैं ज्यादा बाइजत हूँ तुझसे नफर नफरी के लिहाज से वह दाखिला और वो दाखिल हुआ जन्नत हुआ अपने बाग में वह हुआ इस हाल में कि वो जालिम जुल्म करने वाला था अपनी नफ्स ही अपने नफ्स पर कौला उसने कहा मा अज़ुनु नहीं मैं गुमान करता अन ये कि तबीदा तबाह होगा हाजी ही ये यानी कि मेरा बाग आबदन कभी भी वमा और नहीं अजुनु में ख़याल करता साता कयामत का कि कयामत का वक्त कायमतन कि वो कायम होने वाली है कयामत या कयामत का वक्त आने वाला है कयामत कायम होने वाली है वाला इन और वाकई अगर रुदित तू मुझे लुटाया गया इला रब्बी मेरे रब की तरफ लाजी दन्ना यकीन जरूर मैं पाऊंगा खैरम मिनहा बेहतर इन बागात से मुनकलबा लौटने की जगह और था उसके लिए फल मतलब दोनों बाओं का एक जितना फल था और उसमें से जो काफिर था उसने अपने नेक कहा कि जो है मैं ज्यादा हूँ माल में ज्यादा नफरी के लिहाज से और जब अपने दा बाग में दाखिल हुआ और इस हाल में कि वो अपने चुन कर रहा था कि वो सारा क्रेडिट खुद को ले रहा था तो उसने कहा की मुझे नहीं लगता की मेरा बात तबाह हो कभी खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता क्या मत आएगी और अगर आएगी भी क्या तो फिर मुझे अल्लाह तला इससे भी ज्यादा अच्छा भाग देगी अब ये वो बंदा कह रहा है, है ठीक है।, तबीदा, तबीदा है अब पे लहू उससे उसके साथी ने अब उसने बात कर ली अपनी पूरी जो काफिर था अब जो नेक है वो उससे आगे से कह रहे हैं कि उसके साथी ने उससे कहा

फिर उसने ठीक ठाक बना दिया तुझे एक आदमी लेकिन ना लेकिन मैं कहता हूँ वो मेरा रब है अल्लाह वला और शरीकों में शरीक बनाता बिरब्बी अपने रब के साथ अहदा किसी एक को वलौला और क्यों ना इस जब दखलता तू दाखिल हुआ जन्नत तक अपने बाग में कुलता तूने कहा माशा उल्ला जो चाहे अल्लाह तला नहीं कोई कुत मगर अल्लाह की मदद से इन अगर तरानी तो देखता है मुझे अना मैं अकल्ला कि मैं ज्यादा कम हूँ मिन का तुझसे मालन माल में वह वा वालादन और औलाद में अब वो जो नेक इंसान है वो उस काफिर से कह रहा है जो कह रहा था कि मेरा बाग कभी कहीं नहीं जाएगा कि तुम उस जात का कुफर कैसे कर सकते हो कि उसकी ना उसके आगे तुम ये बात कह रहे हो उसका कुफर कर रहे हो जुटला रहे हो कि उस रात को जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर उसने तुम्हें कतरे से बना के और बिल्कुल तुम्हें एक ठीक ठाक इंसान बना दिया एक आदमी तो अगर मैं कहता हूँ कि जो नहीं के वो कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि मेरा रब जो है वो अल्लाह ही है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता तो उसे कहता है काफिर को नेक इंसान कह रहा है अब कि आयत नंबर थर्टी में कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कम हूँ माल में भी और औलाद में तो तुम जब अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने ये बात क्यों नहीं कही कि अल्लाह ताला जो है उसके अलावा कोई कुवत नहीं और अल्लाह ताला की मदद से सब कुछ होने वाला है अगर तुम्हें तो दिख भी रहा है कि तुमसे कम हो फिर भी तो तुम तो तुमने अल्लाह ताला को क्यों नहीं कही है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया और अल्लाह की कुबत से है सब कुछ अब यहाँ पे मुश्किल वर्ड है अकला अकला मतलब ज्यादा कम ये रूट है काफिला किल्लत कलील ये सब कुछ इसी रूट से है तो करीब है वही ने एक इंसान कह रहे वो दे दे मुझे मिन का तेरे बाग ते तो पर।, पर उस बानन कोई अजाब समा या आसमान से फकूस भी हा फिर वो हो जाए साइदन मेरा रब तो इस चीज पे भी कादिर है कि वो मुझे डुबना दे दे और तुम्हारा बाग खत्म कर देखो साफ जमीन कर दे उसे और युस भी हा और वो हो जाए उसका पानी इस्त रखेगा ढूंढ लाने की। के लिए फिर तुम्हारी तो इसमें कोई इस्त नहीं होगी पहले जैसे कर दो इस के। और घेर लिया गया अभी उसके फल को उसके बाग के साथ क्या हुआ आगे हुआ उसके बाग का अंजाम क्या हुआ फिर काफिर के तो उसने सुबह की मल्टा है अपनी दोनों हथेलियाँ अला माँ उस पर जो अनफका उसने खर्च किया फी हा उसमें वाहिया इस हाल में कि वो खाविया गिरा हुआ था अला उशिहा अपनी छतों पर वह यकूल और वो कहता था काफ़े या लईतानी एकाश में लम ना में शरीक बनाता बेरबी अपने रब के साथ अहदन किसी अब उसका बाग सारा तहस हो गया और वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया मतलब कि शर्मिंदा हो रहा है कि काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाता अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड है साफ गौरन गहरा, गौरन गहरा गिरा हुआ था। वलम और ना तकुन हुई लहू उसके लिए फियातुन कोई जमात या शुरू ना हो कि वो सब मदद करते उसकी अल्लाह के सिवा व मा और ना कहा ना था वो का बदला लेने वाला के अब वो उसका बाग सारा तहस नहस हो गया ना तो वहां पे उसके लिए कोई मदद करने वाला भी नहीं था जो उसकी मदद करता अल्लाह के सिवा मतलब कि अल्ला के आगे अल्लाह सच्चे की शवाबन वो बेहतर है में और वो बेहतर है अंजाम की रूप से उकबा आलम भी जैसे होता है ना कि अंजाम उस रूप से और आप बयान कीजिए उनके लिए माशा हयात दुनिया मिसाल दुनिया की जिंदगी की कमा इन पानी की तरह अंजल ना हो हमने उतारा उसे समाई आसमान से फिर मिल जुल गई उसके साथ नबात और नबा तो राबाताज उस बहा फिर वो हो गई हसी मन चूरा चूरा तस्रू हु उड़ाए फिरती हैं उसे रिया हवाए मकान और है अल्लाह त अला ऊपर कुल्ली हर शही चीज के मुखिया कुदरत रखने वाला मुक्तरा से कुत अच्छा सच्चे से वो बेहतर है में और बेहतर अंजाम की और आप बयान कीजिए उनके लिए मिसाल दुनिया जिंदगी की पानी की तरह हमने उतारा उस पानी को आसमान से फिर मिल जुल गई उसके साथ जमीन की नबाता फिर वो हो गई चूरा चूरा उड़ाए फिरती हैं उसे हवाएं और है अल्लाह तर चीज पर कुदरत रखने वाला फिर कोई जमात

सवाबन सवाब में व और ज्यादा बेहतर है अमल उम्मीद के लिहाज से व यौम और जिस दिन नुसैरु नु हम सैरु से सैर से के हम चलाएंगे फिरेंगे अलजिबाल अलजिबालों पहाड़ों को वतर वतरा और आप देखेंगे अर्ज व जमीन को बारिदातन साफ खुली व और हशर ना हम हम इकट्ठा करेंगे उनको फलम तो नहीं नुगादिर हम छोड़ेंगे उनमें उन से आहदन किसी एक को बाकी रहने वाली ज़्यादा बेहतर के नजदीक सवाब में ज्यादा बेहतर है उम्मीद के लिहाज से और जिस दिन यानी क्या जब हम चलाएंगे पहाड़ों को और आप देखेंगे को कि वो साफ और खुली होगी और हम इकट्ठा करेंगे तमाम लोगों को और हम नहीं छोड़ेंगे उनमें से किसी को भी मतलब तो कि सबका हिसाब किताब होगा उस दिन और पहाड़ों को यहाँ पर पहाड़ों के चलाने का जिक्र है एक जगह पर आता है कि पहाड़ उस दिन बादलों की तरह चलेंगे

साफ तुम था तुम्हें पहली मरतबा बल्कि तुमने तो गुमान किया था कि हर किस नहीं हम मुकर्र करेंगे लकुम तुम्हारे लिए माओन कोई वादे का वक्त अब यानी कि इस वक्त मुनकर आखिरत से कहा जाएगा कि देखो अंबिया की दी हुई खबर सच्ची साबित हुई और वो, वो तुम्हें बताते थे कि जिस तरह ने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया है इसी तरह तुम दोबारा भी उठाए जाओगे मगर तुमने उन्हें मानने से इनकार किया था अब यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है जो मुनकरीन आकर है जो कहते हैं कि हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे हम कैसे दोबारा जिंदा किया किए जाएंगे तो उनके बारे में वो लोग जो कहते हैं ना कि हम दोबारा कैसे जिंदा किए जाएंगे तो अल्लाह तुमने की आमत के दिन उठाएंगे और सफ़े बांध के वो अल्लाह तला के सामने पेश होंगे और तब अल्लाह उनसे कहेंगे कि जैसे हमने तुम्हें पहले जिंदा किया पहली बार पैदा किया था वैसे हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया और तुम हमारे पास आयो लेकिन तुम लोग तो गुमान करते थे कि हम को ऐसा वक्त नहीं आएगा दोबारा जिंदा होने वाला के के बारे में वह वो और रखी गई अल किताब किताब यहाँ पे किताब से मुराद नामा यामाल है फातर फिर आप देखेंगे अल मुजरिमीना मुजरिमों को मुशफीना सब डरने वाले मिम्मा उससे जो फी ही उसमें होगा वकूलूना और वो सब कहेंगे या वही लता हाय हमारी बर्बादी माँ क्या ली इस हाजल किताबी इस किताब को कि इस किताब को क्या है ला ला युगा नहीं वो छोड़ती सगीर कोई छोटी बात भला कबीर और ना कोई बड़ी बात इल्ला मगर आ उसने शुमार कर रखा है उसे वा, और वजदु वो पाएंगे आमिलु जो सब उन्होंने अमल किया होगा और नहीं वो जुल करता रब आपका, रब आहदन किसी एक पर। और रखी गई ना किताब यानी नामा माल फिर वो देखेंगे मुजरे उसको वो सब डरने वाले उससे जो उसमें होगा वो सब कहेंगे कि हाय हमारी बर्बादी क्या है इस किताब को नहीं वो छोड़ती कोई छोटी बात और ना कोई बड़ी बात अगर उसने शुमार कर रखा है उसे और वो सब पाएंगे उसमें जो कुछ उन्होंने अमल किया मौजूद और नहीं वो जुर्म करता आपका रब किसी पर भी कि जब वो के दिन अपना अमाल नामा पकड़ेंगे तो वो लोग कहेंगे कि कैसी किताब है इसमें तुम्हारा हर छोटा बड़ा अमल जो है वो लिखा हुआ इसमें दर्ज है अब यहाँ पर मुश्किल वर्ड है वह और रखी गई आने शुमार कर रखा है आयत नंबर फिफ्टी

अनमरी रोब भी अपने रब के हुक्म से अफात तक जूना हूँ क्या फिर तुम सब बनाते हो उसे वजुर या तहु और उसकी औलाद को उलिया दोस्त में दूनी मेरे अलावा वह हालांकि वो लकुम तुम्हारे लिए अजु दुश्मन है बेअसा बुरा है लिजालिमीना जालिमों के लिए बदलन बदला या बदल माँ नहीं अशहद गवाह बनाया था उनको कल का आसमानों की और जमीन की पैदाइश में वाला और नहीं खल का पैदा कर ले में नहीं, कुंतु था मैं मुताजा बनाने वाला सब गुमराह करने वालों को आसूदा बाजू या मददगार नहीं मैंने गवाह बनाया था उनको आसमानों जमीन की पैदाइश के वक्त और ना उनके खुद पैदा होने के वक्त और ना बनाने वाला सब गुमराह करने वालों को मददगार वा वो फरमाएगा ना दू तुम सब पुकारो शुरा का या मेरे शरीकों को कि जिस दिन अल्लाह ताला कहेंगे क्या की दिन यानी कि अपने उन शरीकों को बुलाओ जिनको तुम मेरे मुकाबले में शरीक ठहराते थे फिर क्या हुआ किसी जिनके बारे में जाम तुम तुम गुमान करते थे फदअउ हुम पस पुकारो तुम उन्हें फलम पस नहीं यस्तजीब वो जवाब देंगे लहम उन लोगों को जब उनको पुकारेंगे तो वो शरीक उनको कोई जवाब नहीं देंगे अब यहाँ मुश्किल वर्ड है आजुदा यानी बाजू या मददगार अब क्या होगा कि जब उनसे कहा जाएगा कि तुम सब पुकारो अपने शरीकों को जिनके बारे में तुम गुमान करते थे कि वो सब वो तो वो सब पुकारेंगे उन्हें अपने शरीकों को लेकिन वो उनको नहीं जवाब देंगे हम बना देंगे उनके दरम्यान मऊ एक हलाकत की जगह देखेंगे सब मुजरिम लोग अन्नारा आकूं। तो वो सब समझ जाएंगे, के बेशक वह वो, वो वो सब मवा वो सब गिरने वाले हैं उसमें हा जमीर है उन सब के लिए मवा के वो गिरने वाले हैं वाह नहीं वो सब पाएंगे उससे पा, कोई फिरने की जगह स्वाद फिरना फिरना, तो वाले हैं उसमें और वो नहीं पाएंगे उससे कुछ फिरने वाली जगह वाला कद और बिला शुबा यकीन सौफना हमने फेर फेर कर बयान की फी हाजल कुरानी इस कुरान में लोगों के लिए बिल्कुल हर मिसाल से इंसान इंसान और अक्सर इन तमाम चीजों से ज्यादा ज़्यादा लू और यकीन हमने फेर फेर कर बयान की कुरान में लोगों के लिए हर मिसाल से और है इंसान तमाम चीजों से ज्यादा झगड़ा लू व नहीं माना आ रोका ना सा लोगों को अन ये के वो सभी मान लें इस जबकि आ चुकी उनके पास हदायत वह फिर वह सब मफफ़रत तलब करें रबा अपने रब हम रख से इल्ला मगर तान तो मामला पहले लोगों का या, या, या आज है उनके सामने अजाब सामने वो और नहीं रोका उन लोगों को वो सब ईमान लाए जबकि आ चुके उनके पास हदायत और सब मफ़रत तलब करें अपने रब से मगर ये पेश आए उन्हें मामला पहले लोगों का या आज है उनके सामने अजाब मऊ बलाकत की जगह मवा सब गिरने वाले हैं उसमें बताए जा रहे हैं कि नहीं हम भेजते रसूलों को खुशखबरी देने वाले व वा मोरीना और सब डराने वाले वही वा जादिलुहु रोज झगड़ा करते हैं लजीना वो लोग जिन्होंने कफारूस जिन सब ने कुर किया बिल बाकी बातिल के जरिए ताके वो सब भी ही उसके और उन्होंने बना लिया आयाती मेरी आयात को व माँ और उसे जिस चीज से वो सब डराए गए थे हंसी मजाक अब अल्लाह कह रहे हैं के 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 दो जो है, वो क्या है नहीं हम बेचारसूलों को मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और वो लोग झगड़ा करते हैं वो जिन्होंने कुफर किया बातिल के जरिए कि वो जरिए हक को और उन्होंने बना लिया है मेरी आयात को ज्यादा बड़ा जालिम है उससे जो जुखिरा नसीहत किया गया भी आयात रबी अपने रब की आयात के साथ फ़िरत उसने मुंह मोड़ लिया अनह उनसे व न और वह भूल गया नासिया निस्यान से भूलना माँ जो कदम आगे भेजा यदा उसके दोनों हाथों ने इन्ना बेशक हमने जालना हमने कर दिया अला कुलूबी उनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दे अन ये के यफ़क़हू वो सब समझे उस कुरान को लिए यू तो ही जो ताकि वो सब फिसलाएं अकिन्नतन पर्दे

कि जो अल्लाह की आयतों को नसीहत की गई मोड़ लिया और भूल किया था। जब आप उनको बुलाएत की तरफ तो हरगिज नहीं तक पाएंगे तब आबादा कभी भी वोपू का और आपका रब अलगा बहुत बख्शने वाला है लग वो पकड़े उन्हें बीमा उसके सबक जो का सब उन्होंने कमाया लाजला जरूर जल्दी लाए लहम ला आजाब उनके लिए अजाब बन बन के उनके लिए मोदन एक मुकर वक्त है मोदन वादा से मुद्दत उनके लिए मुकर वक्त है लन हरगिज नहीं याज़दु वो पाएंगे मैं दून ही उसके सिवा मोला कोई जाए पिना और आपका रब बहुत बख्शने वाला है रहमत वाला है अगर वो पकड़े उन्हें उन लोगों को जिन्होंने किया उनके सब गुनाहों की पकड़ पे आए ना तो उनके लिए जरूर जल्दी ले को लेकिन अल्लाह ने मोहलत दी भी है ताकि वो सब चाहे तो अल्लाह की तरफ लौट आए गुनाहों से माफी मांग लें सही है माउला कोई जायपना वह तिलकल कुरआ और ये बस्तियां आहलक ना हो हमने हलाक किया उन्हें लम्मा जब ओन उन्होंने जुल्म किया वह और हमने कर दिया उनकी हलाकत के लिए माउदा ने एक मुक्र पक और ये बस्तियां अब यहाँ बस्तियाँ कौन बुरा दे के इशारा है? सबा और समुद्र और मद्यन और कोमे लूत के उजड़े दियारों की तरफ जिन्हें कुरैश के लोग अपने तजारती सफरों में आते जाते देखा करते थे और जिनसे अरब के लोग बहुत बखूबी जो है वो वाकफ थे ठीक है तो ये वाली जो बस्तियां हमने हलाक किया तो उनको उनके जुन की मदद से और हमने कर दिया तो उनकी हलाकत के लिए एक मुक्र वक्त क्यों उनकी हलाकत के लिए भी मुकर वक्त जो था वो तयन था और जब उनका वो वक्त आ गया तो फिर अल्लाह तला ने उन पर अपना जवाब भेज दिया और जब कहा मूसा ने अब यहाँ पर जो है यहाँ से आगे एक वाक्य शुरू हो रहा है मूसा का अः जो है क्या नाम है यहाँ से अल्लाह तला नेजरत मूसलम को वाक बयान फरमाया है जो खजराम के साथ पेश आया था हजूर सरवर दो आलम सलम ने इस वाकी तवील हदीस में बयान फरमाई है जो के सही बुखारी में जो है वो मैं हजरत मूसा किसी ने सवाल किया कि इस रुए जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है जो कि हर पैगम्बर अपने वक्त में दीन का सबसे बड़ा आलिम होता है तो इसलिए हजरत मूसा ने जवाब में यही फरमा दिया की मैं ही सबसे बड़ा हूँ अब अल्लाह तला को यह बात शायद पसंद नहीं आई और हजरत मूसा को यह हदायत दी गई कि इस सवाल का सही जवाब ये था कि अल्लाह तला बेहतर जानता है की सबसे बड़ा आलिम कौन है नई जल्ला ने, ने चाहे में कुछ अः को जो है कि इल्म के कुछ ऐसे गोशों से रोशनास कराएं कि जो उनकी वाकफियत के दायरे से बाहर थे मतलब कि ऐसा इल्म जो जो उनके वाकिफ नहीं थे जिससे वो ना नजर मूसा तो चनाचों ने हुक्म दिया गया कि वो हजरत खजर अल्लाम के पास जाए और उनको पता ये बताया गया कि जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहां तक सफर करें और अपने साथ एक मछली ले जाए एक मौका ऐसा आएगा मछली गुम हो जाएगी बस उसी जगह उन्हें हजरत मिल जाएंगे चनाचा मूसा अपने नौजवान शागि हजरत को लेकर गए साथ सफर पर जो बाद में खुद पैगम्बर बनने वाले थे आगे का वाक्य कुरान करीम में आ रहा है यहाँ बस इतना समझ लेना चाहिए कि हजरत मूसा को जो ये सफर कराया गया उसका मकसद अदब सिखाना था अपने आप को सबसे बड़ा आलिम कहना किसी को नहीं देता आलिम तो एक जो तो 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 है अल्लाह सबसे ज्यादा जाने वाला सब वा है सबसे ज़्यादा इल्म वाला अब यहाँ से वाकया और जब कहा मूसा मूसा लिफा हो अपने जवान को अब जवान कौन था हजरत यूशा जो उनके साथ थे लब रहू नहीं मैं हटूंगा

वो दोनों भूल गए तो हुमा अपनी मछली को उसने बना लिया सबीला हु अपना रास्ता फिर बाहरी दरिया में सरा बन सारा बा, की तरह। अब जो मछली थी उसने कहीं अपना रास्ता बना लिया और वो लोग मछली को भूल गए मछली के बारे में फल्मा फिर जब जाव जा वो दोनों आगे गुजर गए अब मुसलम ने अपने जवान से कहा जो उनके साथ था यूशा को कि आती ना दे हमें गदाना हमारा खाना लकद के मतलब अब खाना निकालो क्यों क्योंकि लगा हम थक गए काफी मुश्किल काफी सफर कर लिए ना हमने तो बिला शुबा यकीन पहुंची हमें अपने सफर से इस कि अपने सफर से अब हम थक गए तो अब हम खाना खाते हैं कौला उसने कहा और आईता क्या आपने देखा इस जब अवैना आव, हम ठहरे थे इला सखराती चटान के पास तो बेशक मैं नसी तू मैं भूल गया मछली कह रहे हैं देखा कि जब हम ठहरे थे के तो भूल गया मछली वहाँ पर नहीं भुलाया मुझे उसको। श्यार्थान। मगर शैतान ने ये अस्कुरा में जिक्र करू उसका व तना लिया उसने सबीला हुआ रास्ता फिर बाहरी दरिया में अजब अजीब तरह से मछली ने ठीक है अब यहाँ पर मुश्किल पड़ता है नहीं मैं हटूंगा अमसुईया मैं चलता रहूंगा हुकूमन मुद्दतों जावजा वो दोनों आगे गुजर गए हमारा खाना दिन का खाना ठीक है और इलाखराती चटान के पास सखराती चटान अच्छा अब यहाँ पे कि कहा यूसुफ़ इस्लाम ने कि आपने देखा जब हम ठहरे थे चटान के पास तो बेशक मैं भूल गया मछली को नहीं था मुझे बुलाया उसको मगर शैतान ने के मैं जिक्र करूं उसका आपसे और बना लिया उसने अपना रास्ता दया में अजीब तरह से वापस लौटे अल्लाशान पर खासा सन पीछा करते हुए फवाजा फिर उन दोनों ने पाया अब दन एक बंदा मैंने इबादी ना हमारे बंदों में से आते ना हो हमने दी उसे रहमत रहमत मिन अदीना अपनी तरफ से वो और हमने सिखाया उसे मिल अपने पास से इल्मन एक खास इल्म ठीक है फिर वो दोनों जब वापस गए तो उन्होंने वहां पर एक बंदा मिला उन्हें जिन्हें अल्लाह तला ने रह, अपनी तरफ से रहमत और इल्म सिखाया हुआ था एक खास तरीके का तो कौला कहा लहू उससे मूसा मूसा सलाम ने हल किया अब तो अभी मैं पैरवी कर सकता हूँ तेरी अला इस शर्त पर अन ये के तो अलिमानी तू सिखाए मुझको मिम्मा उसमें से जो उल, उल, तो सिखाया गया रोशन भलाई ठीक है कहा उनसे यानी हजरत खजर अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने कि क्या मैं फिर भी कर सकता हूँ उस इस शर्त पे कि आप मुझे सिखाएंगे वो इल्म जो आपके पास है मेरे पास नहीं अब यार मुश्किल वर्ड है फरकोदा और किधर क्या फरतदा फिर वो दोनों वापस लौटे फरतदा फिर वो दोनों वापस लौटे कौला उसने कहा हजरत खजर आलाम ने इन का बेशक तू लन हरगिज नहीं तस तक तो इस्तात रखेगा मा मेरे साथ सब्र सबर की व कई फार कैसे तस्वीरू तो सबर कर सकेगा अला उस पर मां जो लम नहीं तो तूने अहाता किया भी उसका खुबरन

अब यहां से कि कहा तो मुझे पाएगा मुझे नाफरमानी नहीं करूंगा तो तो किसी भी पैरवी करेंगे तो सवाल नहीं करना और मैं बयान करूँगा जब तक मैं खुद ने इस चीज़ का कर जिक्र करूँ तो आपने मुझसे कुछ नहीं पूछना फिर वो दोनों चल पड़े हत्या यहाँ तक इजाज़ जब रकीबा वो दोनों सवार हुए फिर सफीना थी कश्ती में खारा उसने शगाफ कर दिया उसने उसमें का मतलब है कि फिर वो दोनों चल पड़े राखी दोनों सवार हुए हा जमीर के उसके लिए और खारा कि उसने शगाफ कर दिया अब जब वो दोनों कश्ती में बैठे तो हजरत खजराम ने कश्ती जब वो दोनों चले जब दोनों चल पड़े तो फिर हजरत जो है वो दो जब जब तो दोनों तो वो दोनों पर चल पड़े ना आगे को मतलब के फिर उसके बाद वो दोनों बैठे तो उन्होंने कश्ती में शगाफ कर दिया अब इसमें आता है कि उन्होंने कश्ती के एक फट्टे में जो एक लकड़ी थी उसमें उसमें शिगाव कर दिया था सुराख कर दिया था ठीक है अब जब मूसा ने देखा कि अगर खजराम ने कश्ती में सुराख कर दिया तो कौला कहा मूसा ने आखरखता क्या तू शिगाफ कर दिया उसमें मतलब बैठने वालेगा वाले, फिर वो तो डूब जाएगा इसलिए बिलाशुबा यकीन जे था तू लाया है इमरा बहुत गलत खिजराम ने कहा आ क्या लम नहीं अकुल मैंने कहा था इन नन हरगिस नहीं ते तपीए तो इस्तताअत रखेगा माईया मेरे साथ सबरन सबर करने की कौला मुसला इस्लाम ने कहा ला नहीं ना तुमौक्जा कर मेरा बीमा उस पर जो नासिया मैं भूल गया नस, निस्यान में से कि आप उस पे मेरा मौक्जा मुझे ना पकड़े उस पे मेरा मौक्जा ना करें जो चीज मैं भूल गया था वला तुहिकनी और ना आप डालें उस पर में अमरी मेरे मामले में उसरन तंगी फन को तो लगा फिर वो दोनों चल पड़े हत्या यहाँ तक इजाज़ जब लकिया वो दोनों मिले गुलाम ने एक लड़के को फ़कलाम तो ने कतल ने कर दिया आ क्या कतल था तूने कतल कर दिया नफसन एक जान को बगैर किसी नफ्स के लपीन तुलाया है

अब पारा सिक्सटीन में आगे आएगा आगे कॉन्टिन्यू होगा अब यहाँ पे एंड का एंड होता है और में बहुत सारे इम्तान का सबसे पहले आया था ईमान का इम्तहान जो कहा वालों का हुआ वा था फिर दौलत का इम्तिहान हुआ बाघ वालों का दे के ना दे के आजमाया गया फिर इन का यहाँ पर मूसा इस्लाम वाले वाक्य में उसके बाद आगे जुल कर नैन का वाक्य आएगा जिसमे इकतेदार का इम्तहान होगा ओके तो यहाँ पर मुश्किल वर्ड है तुरहकनी तुरहकनी का मतलब है कि ना तू डाल मुझ पर ला ना तुरहकनी तू डाल नी मुझ पर वाले रूट से सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू